अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बेल्ट शलवार की स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने इसकी कटिंग का तरीका बताया था। ये इसके कटिंग मैंने करके रखी है। इसके साइड पैनल, क्रोच पैनल और बेल्ट मैंने बनाई है। और ये इसका पैटर्न है जो कि मैंने जनरेशन की साइट से डाउनलोड किया था। और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मैंने अपना साइज़ एडजस्ट करके तो इसकी कटिंग कर ली थी। तो ये इस शलवार के जो कटिंग की हुई है मैंने, ये इसका बेल्ट का पीस है, साइड पैनल्स हैं और क्रोच पैनल है। क्रोच पैनल चार कटिंग होने थे और उनको दरमियान में क्रोच से स्टिच करना था, तो मैंने वो दो कट किए हैं, दरमियान से उन लोगों को ज्वाइन किया हुआ है। वो हैं चार ही, लेकिन उनके दरमियान की सिलाई के लिए मैंने उनको कट नहीं किया। अब मैंने नीचे साइड पैनल रखा है, उसके ऊपर क्रोच पैनल रख के तो मैं उसकी सिलाई कर रही हूँ। इसी तरह से अगर आपके चार ये पैनल्स हैं, चार कलियाँ हैं शलवार की, तो आपने उसको फिर दरमियान से सीना है क्रोच पैनल के साथ। नेक्स्ट जो है वो क्रोच पैनल ही स्टिच होगा और वो आसन से ही स्टिच होगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर साइड पैनल स्टिच होगा और फिर बैक साइड पे जो है दोबारा ऐसे ही क्रोच पैनल और दोबारा आसन से स्टिच करके तो क्रोच पैनल स्टिच करना। इस तरह ये सारे स्टिच होके तो एक सर्कल की तरह से बन जाएगा। सब पीसेज आपस में जुड़ जाएंगे, सिर्फ बेल्ट सेपरेट रह जाएगी और बाकी के सारे पीसेज आपस में जुड़ जाएंगे। अब वही जो क्रोच पैनल है उसका दूसरी साइड मैंने ली है और उसके साथ में जो है दूसरा साइड पैनल स्टिच कर रही हूँ। अगर मैंने उस पीस की कटिंग कर दी होती क्रोच पैनल वाले पीस की, तो मैं पहले उन दोनों को आपस में जोड़ती और उसके बाद फिर साइड पैनल। और अब इस साइड पैनल के साथ जो है मैं दूसरा क्रोच पैनल रह गए हैं दो, वो स्टिच करूँगी। तो इसी तरह एक पीस के साथ दूसरा मैं स्टिच करती जा रही हूँ और वो पूरा सर्कल की तरह बन जाएगा। ये अब लास्ट पीस है। इस तरह से सारे पीसेस की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और दो साइड पैनल और चार क्रोच पैनल आपस में स्टिच हो गए हैं और ये पूरा एक राउंड की तरह से बन गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसकी जो चौड़ाई है वो 40 इंच जो है वो एंड तक है। इसके बाद मैंने बेल्ट वाला पीस ले लेना है और बेल्ट मैंने फ्रंट से 8.5 और बैक साइड से 9.5 और उसकी चौड़ाई जो है मैंने 24 रखी थी। तो अब जो फ्रंट साइड है वो 8.5 है, उसमें मैंने एक छोटा सा दो तीन स्टिचेस देने हैं और उसके बाद 1 इंच मैंने छोड़ देना है और दोबारा स्टिच कर लेना है। और बैक साइड को मैंने पूरा सीधा स्टिच करना है। फ्रंट साइड को मैंने इसलिए थोड़ा सा गैप छोड़ा ताकि इलास्टिक डालने के लिए मुझे आसान हो। आप चाहें तो ट्राउज़र के बीच में, शलवार के बीच में ऑलरेडी इलास्टिक स्टिच कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं जो है वो नेफा बनाने का तरीका बताऊँगी। अब जो मैंने जो 1 इंच का गैप छोड़ा था उसके इर्द गिर्द जो कपड़ा है उसको मैं स्टिच कर लूँगी ताकि वो इलास्टिक डालते हुए बीच में उसको ये बीच में आएगा नहीं। इतना पीस मैंने स्टिच कर लेना है और फिर मैंने 6 इंच बेल्ट रेडी करनी है। और ये कपड़ा 8.5 है तो मैं ऊपर से 2 इंच जो है वो बेल्ट को फोल्ड करने के लिए वो यूज़ करूँगी। अब मैंने इस तरह से कपड़ा फोल्ड कर लेना है और तकरीबन 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ के तो मैंने कपड़ा फोल्ड करना है और इसको स्टिच कर लेना है। ये पूरी बेल्ट में मैं इस तरह से जो है नेफा बना लूँगी। और अगर आपको इलास्टिक स्टिच करना है तो आप पहले इलास्टिक को लेके राउंड स्टिच कर लें और फिर इसके बीच में रखते हुए उसको स्टिच करते जाएँ। सेम इसी तरह से सिर्फ अंदर आपने इलास्टिक को रखते हुए कपड़ा स्टिच करना है और बाद में इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगी तो वो बीच में पक्का स्टिच हो जाएगा।
ये बेल्ट भी रेडी हो गया। मैं बेल्ट की मेजरमेंट ले लूँगी। ये तैयार होने के बाद 24 इंच रेडी हुई है और जो शलवार है नीचे से वो 40 इंच रेडी है। उसकी भी मेजरमेंट मैं आपको सामने दिखा देती हूँ। ये सब पीसीस को ज्वाइन करने के बाद जब मैंने इसके ऊपर से चौड़ाई लेनी है तो वो 40 इंच होगी। अब शलवार की फ्रंट साइड पे जो है मैंने प्लेट्स डालनी है। सबसे पहली प्लेट में 4 इंच पीस लूँगी और उसको जब मैं हाफ टर्न करूँगी तो वो 2 इंच रह जाएगा। और ये वाला जो है मैंने साइड पैनल का बिल्कुल मिडल से शुरू करनी है। ये वाली प्लेट जो साइड पैनल है उसकी दोनों सिलाइयों को जोड़ते हुए बिल्कुल मिडल में जो है पहली प्लेट मैंने डालनी है। उसके बाद मैंने इस तरह से प्लेट्स डालते जाना है और ये 9 से 11 इंच के बीच में जो होता है वो बिल्कुल सही साइज़ रहता है। 9 भी हो तो भी ठीक होता है, 11 एंड हाफ तक सही रहता है। तो मैं बिल्कुल साथ साथ प्लेट्स डालती जा रही हूँ और मिडल तक जाके मैं मेजर करूँगी कि कितना जो है पीस पीछे बच गया है। ये मिडल तक 5.5 आया है तो ये जब कंप्लीट होगा तो 11 इंच हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं अब बाकी पीस में दूसरे डायरेक्शन में प्लेट्स डालूँगी और उसके भी एंड में जब साइड पैनल का जो मिडल होगा वहाँ पे मैं 4 इंच कपड़ा लूँगी और उसको जब मैं प्लेट करूँगी तो वो 2 इंच की प्लेट आएगी। ये प्लेट्स जो हैं ज़्यादा नीट और अच्छी लगती हैं। आप चाहें तो अगर आपको प्लेट्स डालना मुश्किल लगती हैं तो आप चुनट भी डाल सकते हैं। उसमें आपने साइड के 2 प्लेट्स जो हैं 2-2 इंच वाले वो डाल लेने हैं और सीधा जो है बड़े साइज़ का बखिया लगा लेना है। और एंड पे जो है आपने इसका जो बैक साइड का थ्रेड होता है जो बॉबिन का होता है उसको आपने खींच के 9 या 11 इंच जितना आपने रेडी करना है उतना रेडी करना है और उसके बाद आप उसको बेल्ट के साथ स्टिच कर सकते हैं। वो भी बहुत आसान तरीका है और ये प्लेट्स के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये भी इक्वल उतने ही साइज़ पर आती हैं जितना हमें चाहिए। अब जो बेल्ट का फ्रंट एरिया जहाँ पर मैंने नेफे के लिए जो है सुराख बनाया था वहाँ से मैंने और बेल्ट का जो बिल्कुल मिडल है जो मैंने प्लेट्स का मिडल डाला था उसके साथ इसको स्टिच करना शुरू करना है। बिल्कुल दरमियान से स्टिच करना शुरू करूँगी और बैक साइड पे अगर कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा होगा तो मैं कपड़े के अकॉर्डिंग प्लेट्स डालूँगी। अगर कम कपड़ा होगा तो 1 प्लेट, अगर ज़्यादा है तो 2-3 प्लेट्स डाल सकती हैं। मैंने मिडल में जो है कट लगा लिया था ताकि अंदाज़ा हो जाए कि इसका मिडल कहाँ पर आ रहा है। इसको मैंने मिडल के साथ जब मिलाया तो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है जिसकी मैंने प्लेट बना लेनी है। और ये भी ध्यान रहे कि दोनों साइड की प्लेट्स जो हैं वो इक्वली और इक्वल गैप से हों। जितना गैप यहाँ पे आ रहा है बेल्ट से उतना ही वहाँ पे भी मैं रखूँगी मिडल से जो है। अब मैंने जहाँ से स्टिच करना स्टार्ट किया था वहाँ से मैं इसको मेजर करना शुरू करूँगी और एंड पे जो कपड़ा बचेगा उसकी मैं यहाँ पे दोबारा एक प्लेट बना लूँगी और उसके बाद वो कपड़ा जो है सीधा एंड तक स्टिच हो जाएगा। उसमें दोबारा कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं आएगा। बैक साइड पे हल्के से 2 स्टिचेस आए हैं जो हैं प्लेट्स आई हैं, बाकी जो है वो बेल्ट और शलवार जो है वो इक्वली रहा है। की बेल्ट जो है उसके साथ स्टिच होगी है, ऊपर से शलवार रेडी हो गई है बिल्कुल। अब मुझे इसके जो हैं पोंचे बनाने हैं। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं 2 प्लेट्स आई हैं। अब पोंचा बनाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और पोंचे का मैंने जो बुकरम का पीस लिया वो 16 इंच और उसकी जो चौड़ाई है मैंने 1 इंच लिया है और जिस कपड़े पर मैंने लगाया वो 17 इंच है और 2.25 इंच है। अब इसमें जो ज़्यादा जिस साइड पर ज़्यादा कपड़ा है उसको मैंने पहले फोल्ड कर लेना है
और स्टिच करना है। और जो नीचे थोड़ा गैप है इसको मैं शलवार के साथ स्टिच करूँगी। अब मैंने शलवार का जो सीधी साइड है, जो राइट साइड है शलवार की, उसके ऊपर इस पीस को रखना है और इसको मैंने नीचे से स्टिच कर लेना है। इसके बाद ये बुकरम का पीस जो है ये बैक साइड पे टर्न हो जाएगा, जो शलवार की रॉन्ग साइड है उस साइड पे टर्न करूँगी। और आप फिर इसके ऊपर जो है वो सिलाई करेंगे। और पौंचा बहुत लोग पसंद करते हैं कि उनकी शलवार पे 6-7 पखिए लगे हों पौंचे में, एक एक पैर के गैप से, लेकिन मैं जो है सिर्फ 2 लगाऊंगी, एक सबसे नीचे और एक एक इंच के गैप से। और ये वैसे भी प्रिंटेड शलवार है, इसके ऊपर इतना जो है सिलाई नज़र भी ना आए, तो मैं एक बिल्कुल नीचे लगाऊंगी और एक एक इंच के गैप से सिलाई लगाऊंगी। और मैंने पौंचे की दोनों सिलाई जो है वो शलवार की सीधी साइड पे लगाई है, राइट साइड पे। तो राइट साइड पे स्टिच ज़्यादा नीट होता है, इसीलिए मैंने जो है दोनों सिलाइयाँ राइट साइड पे लगाई हैं। और अब मैंने जो है शलवार की फ़िटिंग की सिलाई कर लेनी है। पौंचा मैं 7 इंच रखूँगी और 7 इंच रख के तो जो है मैंने सीधा सिलाई कर लेना है। और ध्यान रहे कि जो साइड पैनल्स के जॉइंट हैं वो बिल्कुल इक्वल आएँ एक दूसरे के साथ। और ये वाली सिलाई हमेशा कपड़ा खींच के लगानी चाहिए। और अगर आपकी मशीन प्रॉब्लम करे या कपड़ा ना खींचे, तो आपने ये सिलाई लगाने के बाद एक दफ़ा सिलाई को खींच लेना है। अगर उसमें कुछ थ्रेड वगैरह टूट जाए तो आपने दोबारा ये सिलाई लगा लेनी है। सबसे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप 2 दफ़ा ये सिलाई लगा लें। अब यहाँ पर भी मैं 7 इंच मैयर कर लूँगी पौंचा और सिलाई जो है कम्प्लीट हो जाएगी। तो इस सिलाई के बाद जो है शलवार की स्टिचिंग कम्प्लीट हो जाएगी। और ये बहुत आसान तरीका है शलवार सीने का। अगर आपको प्लेट्स बनाना मुश्किल लगती हैं तो आप चुनट भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे, और नेफे की जगह पे आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं। ये इस शलवार की कंप्लीट फाइनल लुक है स्टिच होने के बाद। और ये प्रिंटेड शलवार वैसे भी बहुत अच्छी लग रही है, इसके साथ मैं प्लेन ब्लैक शर्ट भी पहन सकती हूँ। और इसके साथ जो मैं शर्ट बनाने वाली हूँ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।